जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, कंप्लीट करेंगे। जो आए हुए क्वेश्चन हैं सिर्फ उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। चलो देख, पहला क्वेश्चन है इसमें, सॉफ्टवेयर के टेस्ट के कमांडों पर ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं, टूल बार, क्या होती है, टूल बार। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, किसने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी लिंक करने पर क्या होता है, क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, तो ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है, तो क्लिपबोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट है एक, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक या ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो कर्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्सर। अगला क्वेश्चन है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किस में स्टोर की जाती है, तो क्लिपबोर्ड में, किस में करेंगे, क्लिपबोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, विंडो पहचाने प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है किसका, वर्ड का, किसका प्रयोग करते हैं, तो बर्ड का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, बूट स्ट्रैप। अगला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई 1990 में। अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, तो इंटरफेस, क्या कहा जाता है, इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है, तो डिलीट से। अगला क्वेश्चन है, माउस के कर्सर की गति को हटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल का। अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है IBM द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है, विंडो 2000 को विकसित किया है किसने, तो किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, विंडो 2000 को विकसित किसने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है, माई कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, किसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, विंडो 95 में, क्या है, विंडो 95 में। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ है, विंडोज 98 का विकास 1998 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्लोज बटन क्या है, क्लोज बटन क्या है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है वो बंद हो जाता है। दूसरा, विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। अगला, क्रॉस जैसा होता है, एक्स जैसा बटन होता है, तो डी राइट आंसर सभी है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डेस्क की और की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल और ऑल्ट, किसका, कंट्रोल और ऑल्ट का, दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है, हेल्प मेनू स्टार्ट बटन पर
उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर को किस में रखते हैं? माई डॉक्यूमेंट में, विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन द्वारा डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है? तो आईकॉन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किस में भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। निम्न में किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? पुल डाउन। अगला क्वेश्चन है, डैश कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, तो मेनू बोलते हैं, मेनू। अगला क्वेश्चन है, मेनू पर प्रत्येक डैश एक प्रकार कार्य करता है? कमांड। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों को जिन्हें आइकन कहा जाता है मेनू का प्रयोग करता है, क्या है? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस। शब्द वर्तमान से प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है, ऑक्टेव सक्रिय विंडो। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो क्लिपबोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 95 व विंडोज 98 विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः डेस्क के लोकेटेड आइकन के आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं? डेस्कटॉप पर। डेस्क तक रिसाइकल बिन डेस्कटॉप आइटम स्टोर करता है आपके खाली करने से। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। क्या बनता है? मिलेनियम बोलते इसे। अगला क्वेश्चन है, सारी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो मैक्सिमाइज। किस प्रकार का बार विभिन्न टॉप डाउन मेनू के नाम से आइकन दिखाता है? मेनू बार से। अगला क्वेश्चन है, किसी विंडोज की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? टाइटल बार पर पॉइंट करें। अगला क्वेश्चन है, पुल डाउन मेनू में हेडिंग डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है, ए राइट। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? तो कंट्रोल पैनल में। अगला क्वेश्चन, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? विंडो है। क्या है? विंडो। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करें। जय हिंद। अच्छा से नहीं समाप्त होता है, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद। अच्छा लगे तो जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।